तेरे उर अंतर का अंधकार सदा के लिए दूर हो जाए, मैं कोई ऐसा रास्ता बताता हूं तुझे, सुन। मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु मन मना भव। अब मुझ में मन लगाकर सुन। माने पहले अर्जुन मन लगाकर नहीं सुन रहे थे, सुनते थे, लेकिन श्री कृष्ण में उनकी परम बुद्धि, उनकी उनकी ब्रह्म बुद्धि नहीं थी। वो श्री कृष्ण को अपना सखा जानते थे। फिर भगवान ने कहा अब मुझे भगवान जानकर मानकर, मेरे विशुद्ध स्वरूप को जानकर अनुभव करके सुन मेरी बात, छोड़ सब धर्मों को और माम एकम, एक मेरी शरण में आ। ये जो माम एकम शब्द है, ये इस सूत्र का, ये भगवान के मुख से निस्सृत इस श्लोक का प्राण है। जब भगवान कह रहे माम एकम, केवल मेरी, एक मेरी शरण में आ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, डर मत। भगवान कह रहे भय मैं दूर करूंगा, मैं ही कर सकता हूं। प्रभु के अतिरिक्त जीव का आवागमन मिटाने की सामर्थ्य न किसी देव में है और न किसी देवी में। और यह बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि यह बात परम सत्य है और सत्यम परम धीमहि। आद सच जुगाद सच है भी सच और नानक हुसी भी सच। ये जीवन का परम सत्य है, आप आज समझ लें या कभी। और मैं फिर आपसे कह दूं, आप किसी की भी पूजा करते हो, आप किसी की भी उपासना करते हो, यदि आप निश्चल मन से करते हैं तो आज नहीं तो कल वो भी आपको मार्ग भक्ति का ही देगा। पीपा की आराधना सिद्ध हुई, पीपा ने भगवती की आराधना की, भावना सिद्ध हुई, तो भगवती ने कृपा करके भक्ति का मार्ग खोल दिया। मैंने तो अपने जीवन में कितने लोगों के मुख से सुना कि जिन लोगों ने जीवन में निष्काम भाव से शिव का आराधन किया है उनको विश्राम फिर प्रभु के चरणों में आकर मिला है, उनको भगवान की विशुद्ध विलक्षण भक्ति प्राप्त हुई है। और भगवान भी अपने मुख से कहते हैं जा पर कृपाना करही पुरारी सोना पाव मुनि भक्ति हमारी। और ये जिस पर कृपा करते हैं उसके अध्यात्म के मार्ग की सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। माने विश्राम तो भगवान के चरण कमल हैं। सूरदास कह रहे हैं मेरो मन अनत कहां सुख पावे, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। जैसे कबीर कह रहे हैं ना सब है रसायन हम किया, बोले सब करके देख लिया हमने, ज्ञान योग जप तप व्रत पूजा सब करके देखा, पर निज अनुभव सुन कहूं खगेसा। आज तो दुख क्या है कि हमने रामायण को पाठ की वस्तु बना लिया। हम यही करते हैं, हमारे हाथ में जो चीज लग जाए हम उसे अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के और अपनी अपनी उपासना अपनी पूजा की परिपाटी बना लेते हैं। रामायण हाथ में आई तो आप लगे 24 घंटे का पारायण करने और घसीट दी रामायण 24 घंटे में। अरे बाप पूरी रामायण पढ़ने की तो जरूरत नहीं है। मैंने प्रथम दिन कहा था इस मानस के इस दिव्य भाव में प्रवेश करने से पहले कि मानस का एक एक शब्द मंत्र है, एक एक शब्द, मानस की एक एक पंक्ति तुलसी के मुख से निकली कविता नहीं है। भगवान शंकर के हृदय का अनुराग प्रकट हुआ है, भगवान शंकर ने अपने हृदय का रस रहस्य मानस के रूप में प्रकट किया है। कोई एक आध बात जीवन में आ जाए, एक आध बात, पर हमने क्या किया, हमने उसे पाठ की वस्तु बना लिया, हमने पढ़ा और छोड़ दिया। और केवल पढ़ा और छोड़ दिया नहीं, पहले पढ़ा और छोड़ दिया, फिर सुना और छोड़ दिया। और हम भी कोई बचे नहीं, हमने कहा और छोड़ दिया। बात कुछ कहने की रही, कुछ सुनने की रही। यदि शब्द की ऊर्जा पर ध्यान दिया जाए, यदि मन एकाग्र होना जानता हो, पर बात ही तो यही है ना, हरिवंश महाप्रभु का तो उपासना का सिद्धांत सूत्र यही है कि ये जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच उपायो। ये एक मन अनेक स्थानों पर लगेगा तो कैसे सुख पाएगा, दुख पाएगा। जब ये एक मन अनेक स्थान पर लगेगा तो यदि मन एकाग्र होना जानता हो, यदि आप एकाग्र नहीं है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यदि आप एकाग्र नहीं है
यदि आप एकाग्रता से परिचित नहीं है, यदि आप एकाग्र होना नहीं जानते, तो आप कभी संतों की वाणियों में भी एकाग्र नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका मन एकाग्र होना जानता ही नहीं। आप गीता में, भागवत में, रामायण में छिपे सूत्रों को खोज नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मन एकाग्र होता ही नहीं, आप एकाग्र होना जानते ही नहीं। आपके मन को अभ्यास हो गया है चंचलता का, और आपने पूजा पाठ भी ऐसा पकड़ लिया, आपने उपासना पद्धति भी ऐसी पकड़ ली, और क्षमा करना, नहीं भी करो तो चलेगा, आपने तो मंदिर भी ऐसे बना लिए जहां पर एकाग्रता का कोई लेना देना नहीं है। यहां देवी जी बैठा दी, यहां भगवान, यहां राम जी बैठा दिए, यहां कृष्ण बैठा दिए, यहां शंकर जी बैठा दिए, और अब तो शनिदेव भी बैठने लगे मंदिर में। मुझे भय नहीं लग रहा ये कहने से, मुझे तनिक भी भय नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैं सत्य कह रहा हूं, और जहां के हृदय सांच है, तहां के हृदय आप। मैं जो कह रहा हूं वो आपके और मेरे हित के लिए कह रहा हूं, और कोई शनिदेव से मेरा मेरा निजी बैर भी नहीं है, उनसे कोई मेरा झगड़ा भी नहीं है। पर मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ऊर्जा गलत स्थान पर लग रही है। आपको यदि उन्हें पकड़ना है तो केवल उन्हें पकड़िए, जिससे आपका आगे का मार्ग तो खुले। तो आज तो मंदिर भी ऐसे बन गए, आज भी आप प्राचीन मंदिरों में जाकर देखिए, जो भारतवर्ष के प्राचीनतम मंदिर हैं, आप जाकर देखेंगे तो आपको वहां गर्भगृह में एक देवता का दर्शन होगा। एक मंदिर बनने के मूल में सिद्धांत यही है कि वहां पर कोई एक हो, जहां जाकर आपका बिखरा हुआ मन एक ठौर पे लगे। एक गांव में मंदिर बन रहा था, बोले किसका बने? बोले राम जी का बने। तो हमारे जैसे आ गए कोई वृंदावन बिहारी के भक्त, बोले राम जी का क्यों बनेगा, कृष्ण मंदिर बनना चाहिए। फिर देवी जी के आ गए भक्त, बोले पैसा हम देंगे तो देवी जी भी बैठेंगी, तो झगड़ा बढ़ गया। अब एक आया, बोले छोड़ो मस्जिद बनाओ, तो यहां भी बात नहीं खटी। फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति आए, बोले छोड़ो मंदिर और छोड़ो मस्जिद, बोले सिनेमा घर बनाओ, बोले सब आएंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, और रुपया देकर आएंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा, और मुझे तो अच्छी लगती है वो पंक्ति जिसमें हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, मंदिर मस्जिद भेद कराते और मेल कराती मधुशाला। मैं आपको फिर कह दूं, कोई भी ऐसा मार्ग ना पकड़ लीजिएगा जो आपके मन को बांट दे, जो आपके मन में भेद उत्पन्न कर दे, जो मन को मैला कर दे, जो आपको मेरा और तेरा करना सिखा दे, जो आपको हमारे और तुम्हारे में बांट दे। ऐसा धर्म किसी काम का नहीं है, बोझ है, आप थक जाएंगे एक दिन ढोते ढोते। जिसमें भी आपकी निष्ठा हो, पवित्र हो, अनन्य हो, आपकी श्रद्धा बलवती तभी होगी जब आपकी श्रद्धा और विश्वास का केंद्र कोई एक होगा। एक तुलसी को बिल्कुल डर नहीं लगता, तुलसी को बिल्कुल लज्जा नहीं आती, तुलसी को बिल्कुल भय नहीं लगता। वो श्रीनाथ जी के सन्मुख होकर कहते हैं, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। मैं तो तभी प्रणाम करूंगा। और मीरा तो पहले ही दिन झगड़ा मोल ले लेती है ससुराल में जाकर। सास कह रही है कि कुल देवी है, इसे प्रणाम कर दो, और मीरा कह रही है मैं क्यों प्रणाम करूं, मैं नहीं पूजी गौरा जी, और मैं नहीं पूजा अणदेव, हाँ पूजी रण छोड़ जी, और था मैं काई जानो भेव। मैंने जिसकी पूजा की है उसे कर लेने के बाद अब मुझे किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि एक दृष्टि से देखा जाए तो बड़ी असभ्यता है, प्रणाम तो राह चलते किसी को भी कर दिया जाता है। आपके घर कोई अतिथि आता है, कोई बड़ा बूढ़ा आता है, उसको भी आप प्रणाम कर देते हैं। मीरा भी ऐसे ही देवी को भगवत स्वरूप जानकर प्रणाम कर देती, पर मीरा ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि प्रणाम करने से पूजा तो हो जाती, प्रणाम करने से पूजा से मिलने वाला पुण्य तो प्राप्त होता, लेकिन प्रणाम करने से मन बंट जाता। प्रणाम करने से वो मन जो सदा सदा के लिए झुक गया है गिरधर लाल के चरणों में, वो मन बंट जाता। इसलिए मीरा ने कहा ऐसी पूजा नहीं करनी जो मेरे मन को बांट दे। मन ना भय दस बीस, कोई कछु कहे मन लागा, कोई कछु कहे जन्म जन्म का
सोया मनवा जन्म जन्म का सोया मनवा। अब तो जागी हूं। सतगुरु शब्द सुन जागा, कोई कछु कहे। एक बड़ी विलक्षण सी मस्ती होती है जब आप एकनिष्ठ हो जाते हैं, फिर कोई कुछ कहे आप निश्चिंत रहते हैं। जैसे कबीर कहते हैं कि पांच तत्व का बना ये पिंजरा, और उसमें बोले मेरी मैना, अब कछु लेना न देना मगन रहना। संसार कब प्रभावित करता है, संसार के संबंध, संसार से मिलने वाला मान अपमान कब आपको प्रभावित या प्रताड़ित करता है? जब तक आपका संसार से संबंध बनाए, मन का संबंध, जब तक मन बटाए यहां, तभी तक यहां का कष्ट है, क्लेश है। और जैसे ही मन सिमटा, सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मनई बांध बर डोरी। और मीरा निर्भय होकर कहती है, हो नहीं पूजी गौराजी, नहीं पूजा अण दे, हो पूजी रण छोड़ जी, थम काई जानो भे। डराया धमकाया मीरा को कि प्राण चले जाएंगे तुम्हारे, मृत्युदंड मिलेगा। राणा जी रूठे मारो काई कर लेसी, मैं तो हरी गुण गास्यारी मई। राजा जी रूठे वारो देश रखासी, हरी रूठा कठ जास्यारी मई। राम नाम रो झाज चिलास्या, भौ सागर तिर जास्यारी मई। मेरे सदगुरु ने मुझे जहाज पे बैठा दिया है, अब मैं बर्जी काऊ की नहीं रहूं। राम नाम रो झाज चिलास्या, भौ सागर तिर जास्यारी मई। मीरा दासी सावल गिरिधरनी, मैं तो चरण कमल लिपटा स्यारी माई। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया करने के बाद भी जो जीवन में भय है, जो जीवन में चिंता है,
दुख की बात है कि आपने कभी विचार नहीं किया कि क्यों है, क्योंकि जीवन में सब है लेकिन जो जीवन में होना चाहिए विशुद्ध भक्ति वो नहीं है। और राम कृपा बिनु सुपने हो जीव न ले विश्राम। जीव माने जो खेल रहा है आपके इस देह के भीतर, वो जिससे सुख दुख जुड़ा है, जिससे सुख दुख की अनुभूति होती है, जो कभी प्रसन्न होता है कभी रोता है, वो जीव आप नहीं जो आपके भीतर है, आपका ये देह नहीं जो आप हैं वो। और तुलसी कह रहे हैं राम कृपा बिनु सुपने हो, सपने में भी जीव को विश्राम नहीं है। हाँ, ये प्रभु का स्वभाव है कि उनका अनुग्रह उसी पर होता है जो उनकी ओर देखता है, जो उनसे प्रार्थना करता है, जो उनकी ओर चलता है, जो उनकी ओर चल के जाता है। नहीं तो उनका तो स्वरूप और स्वभाव है ही कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। फिर उनका कोई अपना नहीं है, उनका कोई पराया नहीं है, सब परमोई बराबर दाया। फिर ये सब जग उनका उपजाया है, उनका निपजाया है, और कह रहे हैं सब पर मोई बराबर दाया। फिर मेरे लिए सब एक से हैं। उनको आधीन करने का, उनको अपना बनाने का मार्ग, तो वो कह रहे हैं अहम भक्त पराधीन है, भक्त के अधीन होता हूं मैं। वहां फिर खाते भी हैं, खेलते भी हैं, सुनते भी हैं, कहते भी हैं, रोते भी हैं और हंसते भी हैं। वहां फिर अनुग्रह भी होता है, वहां फिर कृपा रस वृष्टि भी होती है, और वहां फिर अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। वहां फिर देवताओं को वो चकित भी करते हैं ये झांकी दिखाकर, जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, उनको ब्रज की करील कुंजों में नंगे पांव चलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। और जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, और मां यशोदा के भय से उनको अश्रु बिंदु दृक ढरते देखा। थर थर कांप रहे हैं श्याम सुंदर, मैया हाथ में सांटी लिए खड़ी है कि लाला आज तुझे बांधूंगी, और मैया के कोप से भयभीत श्याम सुंदर और नव मंडल में खड़े देवता हतप्रभ हो जाते, चकित हो जाते कि क्या ये वही परात्पर परब्रह्म, ये वही आदि पुरुष है, यही वो पुराण पुरुष है, ये वो सनातन सत्ता है कि जिसके भय से काल भी कंपित होता है, जो महाकाल को भी भयभीत कर देने वाले हैं। ये भक्ति कराती है। और वस्तुतः है, आप सब आवरण हटाकर एक एक निष्पक्ष चिंतन यदि करेंगे, और जिसे एक सार्वभौमिक धर्म कहा जा सकता है, तो यूनिवर्सल रिलीजन, वो प्रेम है जिसकी सत्ता जीव मात्र में है, एक जैसी। आप में से किसी का भी जीवन, हम में से किसी का भी जीवन प्रेम के बिना संभव नहीं है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति के जीवन में भी कहीं ना कहीं किसी के लिए प्रेम है, भले वो प्रेम आसक्ति है। इसको आप यूं समझ सकते हैं कि आसक्ति जो है वो कोयला है और प्रेम जो है वो हीरा है। दोनों में कोई तत्वात्मक भेद नहीं है, कोई रासायनिक भेद नहीं है, दोनों में एक ही रसायन है, कार्बन। कोयला भी वही है, हीरा भी वही है, लेकिन उसने पीड़ा झेल ली है, उसने बड़ी प्रतीक्षा कर ली है, उसने बड़ा परिश्रम किया है, और वही कालांतर में जाकर वो अमूल्य रत्न हो गया है। ऐसे ही जो प्रेम करने की जो वृत्ति है आपके मेरे सबके मन में, जो संसार में लगी है इसीलिए आसक्ति कहलाती है, वही कालांतर में जब गुरु मिल जाएगा जो आपको प्रक्रिया बता देगा, बीज को फल होने के लिए एक बार मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। बीज बीज बना रहे तो फल की संभावना नहीं है उसमें। तभी कोई कहता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे
मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है, बीज एक बार अपना अस्तित्व समाप्त करता है। ऐसी भक्ति भी एक बार सर्वस्व का उत्सर्ग चाहती है। आप कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसी जब आपको सब कुछ पाना है तो एक बार सब कुछ खोने के लिए तैयार होना होगा। भक्ति कुछ छीनती नहीं, घबरा मत जाइएगा। भगवान ने जब कहा कि मैं धन हरण कर लेता हूं, भगवान के यहां धन की कमी है? जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा, वो क्यों करेंगे हरण? वो तो ये देखते हैं। और भगवान धन का हरण नहीं करते, उनकी भक्ति उनका भाव जिनके जीवन में आता है, धन के लोभ का भगवान हरण कर लेते हैं। धन तो जितना भाग्य का है सो रहेगा, और धन से वस्तुतः सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है। जड़ वस्तु ना तो किसी को सुख देती है ना दुख देती है। वस्तु तो दुख तो धन के लोभ में है, धन में दुख नहीं है। धन में दुख होता तो महाराजा जनक और भक्तमाल में अनेकों उदाहरण आते, चक्रवर्ती सम्राटों ने भगवत प्राप्ति किया। अगर धन अगर धन से भ्रम होता, धन के लोभ से भ्रम है, संसार के लोभ में भ्रम है, संसार की आशा में भ्रम है, संसार की अभिलाषा भूल है। तो मैं कह आपसे ये रहा था कि आपकी भावना एकाग्र हो, एक ओर लगी हो, चाहे कहीं भी लगे। हां मैं तो आपको एक संकेत दे सकता हूं कि यदि आप व्यासपीठ की माने, यदि आप भागवत की माने, यदि आप गीता की माने, यदि आप मानस की माने, यदि आप अनुभवी संतों की माने, तो श्रद्धा और विश्वास को लगने का ठौर, जहां आपके श्रद्धा और विश्वास का आदर होगा, जहां उसका सम्मान होगा, जहां आपकी भाव भावना का प्रत्युत्तर आपको मिलेगा, वो भगवान के चरण कमल है। उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी ले जाइए, कहीं भी लगाइए। आपको तंत्र मंत्र नाटक चेटक किसी में भरोसा हो आप करिए, लेकिन व्यासपीठ का कर्तव्य है आपको एक बार सत्य से परिचित करा देना कि श्रद्धा और भावना को लगाने का सबसे उत्तम स्थान भगवान के चरण कमल है। और आज या कभी किसी जन्म में बात तो समझ में आने योग्य यही है कि भज गोविंदम और भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कभी तो आपको अपने मन को उपदेश करना पड़ेगा कि भगवान का भजन सार है। हाँ, और कह मैं ये रहा था कि हम हमारे हाथ में आते ही, अब बंदर के हाथ में पकड़ा दो तलवार तो क्या करेगा, ऐसे हमारे हाथ में जब आ जाते हैं गीता और मानस जैसे ग्रंथ तो हम क्या करते हैं, हम उनसे धन साध लेते हैं, हम उनसे यश साध लेते हैं। धन साध लिया, यश साध लिया, और बड़े लोगों को तो मैंने देखा वो मानस के अनुष्ठान करते हैं, कोई कोई मानस की चौपाई का संपुट लगाकर। हमारे अयोध्या में एक संत थे तो शाम को बैठते थे उनके पास, साधक लोग आते थे, बड़े भाव सिद्ध महात्मा थे। एक हमारी अवस्था का एक नया साधु था, गया संत ने पूछा और कहो महात्मा आजकल कैसा भजन साधन चल रहा है, तो बोले आजकल महाराज हम रामायण का अनुष्ठान कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले हमने सुना है उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति होने वाले थे, तो बोले हमने सुना है कि वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो बोले तुम क्यों अनुष्ठान करते हो? बोले हम इसलिए अनुष्ठान कर रहे हैं कि वो राष्ट्रपति ना बने। तो पूछे, बोले तो आप बताइए महात्मा कि क्या हमारा अनुष्ठान सफल होगा? तो साधु थे बोले बिल्कुल भी नहीं होगा। बोले क्यों? बोले क्यों तुम वो राष्ट्रपति न बने इसके लिए आज अनुष्ठान कर रहे हो, और वो राष्ट्रपति बने इसके लिए वो पहले ही अनुष्ठान करके आए हैं, तो वो तो राष्ट्रपति बनेंगे क्योंकि उनका कार्य पहले हो चुका है। तो बोले महाराज फिर हमारे अनुष्ठान से क्या होगा? बोले तुम्हारे अनुष्ठान का फल ये होगा कि जो रही सही श्रद्धा है तुम्हारी मानस में वो भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे अनुष्ठान का फल ये होगा कि तुम्हारी रही सही भावना भी समाप्त हो जाएगी। तो हम लोगों के हाथ में जब भक्ति का सूत्र सिद्धांत आता है, आज हम लोगों ने क्या किया, मैं अपनी बात करता हूं, आज हमने कथा से क्या किया? आज हमने कथा से व्यापार कर लिया,
आज हमने कथा को केवल एक व्यवहार की वस्तु बनाकर रख दिया। क्षमा करना, आज कथा सुलभ नहीं हुई, आज कथा को हमने सस्ता कर दिया। मैंने पहले दिन में कहा था ना आपसे कि देवता आए अमृत का कुंभ लेकर, अमृत का घट लेकर सुखदेव जी महाराज के पास कि आप हमें कथा सुना दो, आप हमसे ये अमृत ले लो और कथा का अमृत दे दो। सुखदेव जी महाराज ने कहा लौट जाओ, तुम व्यापार करने आए हो और जो व्यापार की बुद्धि से आता है ना वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है, आपको कथा नहीं सुनाई जा सकती। भगवान की परीक्षा ले ली माता सती ने भगवान शंकर के मना करने पर भी, और फिर कहा कि अब कथा सुनाइए। तो तुलसी बाबा कहते हैं बरनत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। यहां वहां की सब बात सुना दी शंकर जी ने, पर कथा नहीं सुनाई, भगवत कथा नहीं सुनाई। तो हम लोगों के हाथ में कथा आई, हमने क्या किया, हमने नाम साध लिया, हमने दाम साध लिया, बड़े यशस्वी हो गए हम। आजकल तो कथावाचक ये और लिखने लगे विश्व विख्यात, 1008, 10008 और जाने पता नहीं क्या क्या। और बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि आज सारे समाज को मार्गदर्शन देने वाले के जीवन को स्वयं का मार्ग नहीं पता कहां जाना है। इससे निकली और समाज में क्या देखने को मिल सकती है कि जब कथा कहने से पहले राशि निश्चित कर ली जाए, जब कथा व्यापार की वस्तु बन जाए। और क्षमा करना, व्यापार कभी एक पक्षीय नहीं होता, कोई खरीदता है, कोई बेचता है, कोई बेचता है और कोई खरीदता है। कम से कम मैं तो आज प्रसंग चलाए तो आपको कहकर जाऊंगा यहां से कि कभी इस प्रपंच में ना पड़ना, कभी धर्म के इस व्यापार को आप बढ़ावा देने में निमित्त ना बनना। कथा कराने से कोई बहुत बड़ा पुण्य हाथ नहीं लगता। आज जिसको देखो उसको कथा करानी है। मेरी मानना तो अपने घर में दीपक जलाना और किसी संत की कही हुई कथा की पोथी हाथ में लेकर कथा अपने मन को सुनाना, उससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है, उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। सहज में भगवान बानक बना दे तो बैठकर सुन लेना, लेकिन धर्म के व्यापार में निमित्त मत बनना, कथा खरीदना नहीं। क्योंकि जितना कथा बेचने वाला अपराधी है उतना ही खरीदने वाला भी अपराधी। कथा का व्यापार ना करना, सत्संग का व्यापार ना होने देना, ये महापातक है। क्योंकि ये भगवान को बेचने जैसा है। जब भगवान गए, भागवत कहने वाला भागवत आरंभ करता है ये कहकर कि ये श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, इस श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण का तेज विराजमान है, और उसी वांग्मय स्वरूप को, उसी श्री कृष्ण के तेज को जब 2-5 लाख रुपए में बेचा जाता है, तो इससे बड़ा पातक मुझे और कोई समझ में नहीं आता। 500 साल पहले कल जिन व्यास जी की मैंने आपसे चर्चा की थी, उन व्यास जी ने कहा था अब हम हूं से भक्त कहावें, माला तिलक स्वांग धर और हरि को नाम बेच धन लाम। अन्यथा कथा तो वो औषधि है, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कथा तो किसी दासी पुत्र को देवर्षि बना देती है, किसी दासी के पुत्र को, नारद जी पूर्व जन्म में ऐसे ही किसी दासी के पुत्र साधु सेवा करते हैं, पहली भक्ति बन गई सहज में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और संत के संग से लाभ क्या हुआ, सच्चे साधु थे जिनका संग नारद जी ने किया उस दासी पुत्र के रूप में। सच्चे साधु थे ना, इसीलिए भगवान के प्रेम की सुवास आ गई, संतों के संग की कृपा से भगवत भाव की एक अनुभूति हो गई, भगवान की एक छवि छटा दिखाई पड़ गई, भगवान की कथा मीठी लगने लगी, मधुर लगने लगी, लोभ हो गया कथा सुनने का। अच्छा देखो, कथा में बहुत लोग ऐसे आते हैं, किस लिए आए हैं? अब भाई आयोजक ने बुलाया इसलिए आए हैं। क्यों आए हैं? हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा, इसलिए आए हैं। ये जो 6 बजे आने वाले लोग होते हैं ना, वो तो ऐसे ही होते हैं जो 6 बजे आते हैं।
अच्छा कुछ इस भूल में भी आ जाते हैं कथा के बाद प्रसाद बटेगा, वो तो यहाँ से बिल्कुल निराश जाते होंगे। यहाँ तो जो प्रसाद है वो मैं ही बांट देता हूँ, बाहर के लिए कुछ छोड़ता नहीं। खैर फिर भी जिस दिन मैंने आरंभ किया था कथा कहना, एक अपने मन की बात आपसे बांट रहा हूं, जिस दिन मैंने आरंभ किया था कुल मिला के 5-7 लोग रहे होंगे सुनने वाले, लेकिन एक मन में एक संकल्प था जो गुरु की कृपा से शुभ था कि अगर प्रयास हो सके जीवन में तो कोई ऐसा प्रयास करना है कि सत्संग के स्वरूप की शुद्धता बनी रहे। सत्संग क्या होता है, कैसी भगवत कथा होनी चाहिए, कैसा भगवत कथा का स्वरूप होना चाहिए। तो बरसों पहले एक बीज डला था और आज श्री जी की कृपा से उस भाव का विकास हुआ, उस भाव का विस्तार प्रभु ने अपनी कृपा से किया। और यत्र तत्र मैं तो यही कहता हूं कि मैं इस बात का प्रकट प्रमाण हो सकता हूं कि भगवान बिल्कुल अकारण कृपा करते हैं, अहेतुकी कृपा। वो किसी पात्रता का विचार नहीं करते, किसी योग्यता का विचार नहीं करते, वो किसी को भी योग्य बना देते हैं, उनकी बस एक नजर का सवाल है। साधु का संग मिला और दासी पुत्र देवर्षि हो गया, भगवान का प्रिय पार्षद हो गया। कथा तो ये कराती है, गर्भ में हिरण्यकश्यप के संकल्प से, हिरण्यकश्यप के बल से जो बालक पैदा हुआ है वो परम भागवत हो जाता है। किस लिए? क्योंकि वो माता के गर्भ में साधु का संग कर लेता है, वो माता के गर्भ में संत के मुख से निसृत भगवान की कथा सुन लेता है, वो संसार में आने से पहले सत्संग कर लेता है और आता है और परम भागवत हो जाता है। गर्भ में सत्संग कर लिया, तभी पहले संतान होती थी। संतान में पहला शब्द क्या? संत। और दूसरा शब्द क्या है? आन, माने कोई सज्जन आता है, संत साधु। अब आज क्या होते हैं? लड़के, लड़के ही होते हैं। पर ये विनोद की बात नहीं है, बालक में सबसे पहला संस्कार गर्भ का संस्कार है। मैंने कहा था ना आपसे कि आप और मैं जिस भूमि पर आए ये तो संस्कारों की भूमि है। यहां पर जननी गर्भ धारण करती तो उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। सारा जीवन संस्कारों से ओतप्रोत है यहां पर। यहां पर तो पदे पदे आपको संस्कार का दर्शन होता है। यहां अन्न का ग्रास दिया जाता है तो अन्नप्राशन है। यहां तो नाम भी शास्त्रों की मर्यादा में रखा जाता था, अब नहीं रखा जाता। अब तो घिंटू पिंटू एंडी शेंडी पता नहीं क्या नाम, कोई अर्थ नहीं है नाम का, कोई अर्थ नहीं है नाम का। और इसी को समझा जाता है कि हम बड़े ऊंचे, हम बड़े विकसित हो गए, वी आर सो कॉल्ड मॉडर्न। यही विकास की कसौटी हो गई कि आप बिल्कुल ऊट पटांग हो जाइए। जब आपके जीवन का कोई अर्थ ना रहे, जैसे एक एक पेंटिंग हमने देखा, चार पंक्तियां ऐसे, चार ऐसे, चार ऊपर, चार नीचे, मैंने कहा ये क्या है? बोले मॉडर्न आर्ट है। तो मुझे समझ में आया कि मॉडर्न का अर्थ यही है जिसका कोई अर्थ ना हो, जिसके मूल में कोई कारण ना हो, जिसके मूल में कोई आधार ना हो। एक बालक मुझसे आकर पूछता है, बोले आप पूजा का लॉजिक बताइए, आप बताइए, आप अपनी पेंट फाड़ कर पहनते, क्या लॉजिक है इसके पीछे? कोई है? आज के जीवन में कोई लॉजिक है ही नहीं, इट इज टोटली इलॉजिकल लाइफस्टाइल। आप कहीं भी जा रहे हैं, दीप जलाने के पीछे का कारण तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन किसी शुभ अवसर पे फूक मार के दीप बुझाने का लॉजिक तो मुझे आज तक किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि है नहीं। गर्व महसूस करिए, आपको गौरव होना चाहिए कि आपको मनुष्य का जन्म भारतवर्ष की भूमि पर मिला है, जहां एक मां, जहां एक माता एक आत्मा का आह्वान करती है तो उसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। जब जब जन्म लेते ही बालक को जब चखाया जाता है कुछ, तो मंत्रोच्चारण के साथ चखाया जाता है, अन्न का ग्रास दिया जाता है तो अन्न में ब्रह्म बुद्धि करके अन्न प्राशन कहा जाता है। जब नाम दिया जाता है तो ग्रह नक्षत्रों की तारिकाओं की अनुकूलता जानकर मानकर फिर दिया जाता है। नाम का बहुत प्रभाव होता है जीवन में।
शब्द में एक एक ऊर्जा होती है, एक तरंग होती है। मंत्र क्या होता है, आप बार 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 जब उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होने लगती है, आपके लिए क्रियात्मक होने लगती है। ऐसे ही आपका भी एक नाम है, उसे कोई बार 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 उच्चारण करेगा तो नाम के उच्चारण का बहुत प्रभाव होता है। इसलिए देखा समझा ऐसा नाम हो जिसके उच्चारण से सत्व भाव जगे, जिसके उच्चारण से एक सात्विक की वृत्ति जगे। एक माता ने मुझसे प्रश्न किया, बोले आप तो कहते हैं बच्चों में संस्कार डालना चाहिए, आप कथा में बच्चों को लाने नहीं देते तो कैसे संस्कार डलेगा। तो मैंने कहा माता जी आप थोड़ी लेट हो गई संस्कार डालने में, ये बालक जब गर्भ में था तब आपको सत्संग का संस्कार देना चाहिए था। आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखती कि आप संसार के व्यवहार में लगी होती और ये बालक उंगली पकड़ के आपको कथा में लेकर आता। यदि आपने उस समय इसे संस्कार दिया होता तो सबसे गहरा संस्कार गर्भ में पड़ता है, जो जीवन भर जिसकी सुवास बनी रहती है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष होता है जीवन में। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि एक संत का संग मिल गया, भगवान की कथा सुनने को मिल गई, तो हिरण्यकश्यप के वीर से जो बालक कयाधु के गर्भ में पल रहा है वो परम भक्त हो गया, परम भागवत, अनुपम भक्त। क्या है मूल में, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। तो कथा तो ये करती है, कथा तो आपकी आपकी मूल प्रकृति को परिवर्तित कर देगी। दैत्य का पुत्र परम भागवत हो जाता है कथा सुन के, एक दासी का पुत्र, एक शूद्र बालक देवताओं का ऋषि हो जाता है, देवर्षि हो जाता है, प्रथम पूज्य हो जाता है, भक्ति का व्याख्याता हो जाता है संतों के मुख से कथा सुन के। जन्म जन्म से जो मन मर गया है, मृत प्राय पड़ा है, कथा तो उसको वापस जिलाने की संजीवनी है। ये तो संजीवनी विद्या है, भव रोग की औषधि। संसार सिंधु मति दुस्तरम उत्ति तीर्षोर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख तवार्दितस्य। हमने इस ऊर्जा का अपव्यय किया है, हमने इस शक्ति का दुरुपयोग करके हमने इस शक्ति से अनाचार साधा है, इसीलिए कथा का प्रभाव खो गया, कथा का सार चला गया। वरना संतों का अनुभव है, मानस की एक पंक्ति आपका मार्ग खोल देती यदि आप देख लें श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि से। निज अनुभव सुन कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन मिटे नहीं क्लेशा। और ये बहुत लंबा प्रवचन, ये बहुत लंबा उपदेश, ये तो एक बहाना होता है कि किसी प्रकार मन लगा रहे प्रभु के निकट, वरना सार की बात तो सदा ही बड़ी थोड़ी होती है। आयुर्वेद की पद्धति में जो रसायन औषधि होती है जिसे भस्म कहा जाता है, वो बहुत थोड़ी ली जाती है, बिल्कुल उसका स्पर्श मात्र किया जाता है और वो अपना कार्य करती है। ऐसे कथा तो रसायन है, राम रसायन तुम्हारे पासा। कथा तो रसायन है जो भगवान को सन्मुख प्रकट कर देती है। पिबंति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेश संवृतम और पुनंति ते विषय विदूषिताशयम ब्रजंति तक चरण सरोरुहांतिकम। जो इस जीव को द्वै सुपर्णा सयुजा सखाया, जो विमुख हो गया है भगवान से, आपके मन के भीतर बैठा, जो कभी यहां देखता है और कभी वहां, बेचारा भूला है, भटका है और भूलकर भटककर दुख भी पा रहा है, पीड़ा भी पा रहा है, उसे बड़ा कष्ट है। प्रभु के भजन के बिना, प्रभु की भक्ति के बिना बड़ा कष्ट है, बेचारा बड़ा क्लेश पाता है। माया की पवन का, माया के झकोरे का प्रभाव तो देखिए कि जीव संसार में आया, कहां से आया है, जननी के गर्भ से, नरक से आया है, गर्भवास नरकवास है, मल मूत्र के ढेर में पड़ा, उल्टा लटका जठराग्नि में तपता, नरकवास है ये, वहां से आया है। पर आते ही रोने लगता है,
रुदन करता है। क्यों? क्योंकि जो इस संसार की माया जनित पवन छूती है उस नरक से भी कहीं दुस्तर है। वहां कम से कम भगवान की स्मृति तो बनी थी, गर्भ में पड़ा जीव भगवान की प्रार्थना तो करता था, प्रभु को याद तो करता था, लेकिन ये माया जनित पवन तो ऐसी है कि आते ही संसार में वो ममता, वो आसक्ति, वो वृत्ति जो कहीं प्रभु में लगी थी, वो लगने लगी कहां? पहले माता में, फिर पिता में, फिर भाई बंधुओं में, फिर बांधवों में, फिर सगे संबंधियों में, फिर धन में, फिर पद में, फिर प्रतिष्ठा में, और फिर एक दिन भूल गए भगवान। और पाए रतन चीनो नहीं दीनो करते डार। और ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और कबीर एक युक्ति बताते हैं, वो कहते हैं कि ये नदियां गहरी है और नाव पुरानी है। गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां नाव पुरानी, गहरी नदियां।